प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तीन देशों की यात्रा के पहले पड़ाव पर फ्रांस पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों स्वयं पेरिस एयरपोर्ट पर मोदी के स्वागत में पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी 22 से 26 अगस्त के बीच फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन की यात्रा करेंगे। इसी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। संबोधन में जब बात श्री राम की आती है तो विशाल भवन श्री राम के नारों से गूंजता है। मोदी जी ने कहा कि पेरिस में भी लोग राम की भक्ति में डूबे हैं। इन दिनों पेरिस राम में रम गया है। पूज्य बापू की निश्रा में सब लोग राम की भक्ति में डूबे हैं। और जो इंद्र के सामने भी कथा का समय नहीं बदलते हैं, आज नरेंद्र के लिए उन्होंने कथा का समय बदल दिया। और उसका कारण बापू के रग रग में राम भक्ति भी है, राष्ट्र भक्ति भी है। आज अगर मेरे पास समय की सुविधा होती तो मैं जरूर उनकी चरण वंदना करने जाता, लेकिन मैं यहां से भी पूज्य बापू का धन्यवाद भी करता हूं, उनको नमन भी करता हूं। ताजा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।